सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल विच इज़ रेणुका रेयर व्लॉग्स। तो मैं रही आपकी अपनी रेणुका और मैं आ गई हूँ नए वाले फ्लैट में। आपने शिफ्टिंग वगैरह सब देख ही ली थी। तो गाइज़ ये है डे वन की वीडियो और अभी भी लेबर्स हैं, अभी आपको दिखेंगे घर में वो एक्स्ट्रा काम, जो एक्स्ट्रा क्या मतलब फिनिशिंग वर्क घर में चल ही रहा है और अभी भी सामान सारा पैक है। तो मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा बहुत काम करते हैं। और यहाँ पे देखिए आते रिदांश को उसका ये वाला स्कूटर मिल गया जो कि उसके नानू लाए थे उसके बर्थडे पे। अभी तक तो हमने उसको नहीं दिया था, जनवरी में उसका बर्थडे था, बट अब हमें लगा, अब वो उसने इस बार देख लिया तो उसने खोल लिया, वैसे वो चला ले रहा है। तो गाइस सबसे पहले जो मैंने सबसे पहला काम किया ना आने के बाद वो ये किया कि मैंने फ्रिज, जो हमारा फ्रिज है उसको अच्छे से डीप क्लीनिंग करी कि चलो सबसे पहले फ्रिज एक्चुअली क्लीन कर दो, तो चालू कर दो और उसमें दूध वगैरह रख दो और बॉटल्स रख दो पानी की, तो ये आपका सबसे पहला काम हो जाता है। इसके बाद मैंने सोचा कि यार मैं किचन लगाऊंगी, तो ये मैं रात में रिदांश को एक आंटी हैं उनके यहाँ छोड़ के आई थी, धीरेज भी वहीं पे थे और ये रात में 9 बज रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले आके कुछ कार्टन्स खोले जिसमें किचन का सामान जैसे चाय पत्ती चीनी और सब कुछ वो सब खोल के मैं लगा। तो गाइस यहाँ पे बज रहे थे शाम के 5 और आप देख लीजिए कितने सारे लेबर्स अभी भी घर में काम कर रहे हैं और अभी इलेक्ट्रिशियन भी आया हुआ है, कारपेंटर का भी काम चल रहा है। क्योंकि यार पहले ना किचन अगर प्रॉपर हो जाएगी तो आपको बहुत इजी पड़ेगा सब कुछ करने के लिए, क्योंकि यार बच्चा है तो रिदांशु भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है थोड़ी देर में। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिशियन भी आया हुआ है, तो धीरे से लाइट्स का थोड़ा सही कर रहे हैं अपने हिसाब से बता रहे हैं उनको। तो गाइस आपको मैं मेकओवर पूरा दिखाऊँगी, अभी आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको थोड़ा आइडिया। किसके कपड़े? बहुत अच्छी बनवाए। पापा हैं तो आपके? ये भैया आराम से, ये टूटा हुआ है इसका पैर, ये कहीं साइड में कर दो इसको, कहाँ करोगे आज? बहुत आराम से भैया, भारी भी है और इसमें वो भी है, देख के। एंड अभी बज रहे हैं शाम के 7 और आज काफ़ी काम हो गया है घर में। और ये रहा रिदांश, ये बहुत देर से बेचारा बड़ा कोऑपरेट कर रहा है, हमें बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा है। और थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको मतलब क्योंकि उसको अपनी सामान दिख नहीं रहा है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले उसका थोड़ा बहुत जो उसके टॉयज़ वगैरह है वो खोल दूँ। और अभी मैंने अपनी अलमीरा, अभी मतलब अभी बेसिकली सेट करना तो बाद में सेट होगा, अभी तो मेन जो पैक है उसको हमको अच्छे से पहले रखना है निकाल के, जैसे पता चले कि क्या एक मतलब रूम खाली हो जाए, अभी पूरा पैक है तो कभी कपड़े निकालने हैं कुछ निकालने हैं। तो अभी मैंने ये काम ये किया है कि जो बेडशीट्स वगैरह हैं उनको एक कबर्ड में रख दिया है, धीरेशो मेरे कपड़े उसको एक कबर्ड में कर दिया है, देन धीरे धीरे सेट करेंगे। आज भी और काम घर में चल रहा है, होपफुली कल तक हमारा 50% काम हो जाएगा, 50% मतलब सेटल का क्या हुआ। और बस अभी भी काम हो ही रहा है और आपने देखा ही अभी वीडियो में काफ़ी सब कुछ फैला हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। बिकॉज़ काम चल रहा है घर में और लेबर वे हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है, बट आज हम एक बेडरूम जो है वो सेट कर देंगे ऑलमोस्ट। अभी भी उसमें एसी वगैरह का सब कुछ कनेक्शन हो रहा था प्रॉपर, तो अभी भी भैया लोग हैं और वो करेंगे। इससे पहले मैं उस रूम में काफ़ी काम कर रही थी एंड देन उसके बाद मैं अभी जब वो चले जाएंगे तो बाथरूम क्लीन करूँगी और देन उसके बाद हम एक बेड अपने आप जो बेडरूम है उसको रेडी कर देंगे। फ़िलहाल मैं हॉल में बैठी हूँ, हॉल का अभी काम है वो कुछ ऐसा है, देखिए आप। सो गाइज यहाँ पे एसी वाले भैया एसी लगा के चले गए हैं और लाइट वाले भैया इलेक्ट्रिशियन भी अपना काम कर गए, तो मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी क्लीन कर लेती हूँ और मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ, बिकॉज़ यार देख देख के ना धूल धूल में आप अपने को बड़ा गंदा फील करने लगते हो।
गाइस चैन की नींद सोने के बाद सुबह मैं उठ चुकी हूँ, मेड भी आ चुकी है। देन उसके बाद हम लोग वापस से अपने काम पे लग चुके हैं। यहाँ पे मैं जो एक्स्ट्रा कप वगैरह थे उन सबको ओपन करके सब कुछ लगा रही थी। सो गुड मॉर्निंग गाइस, और आज है हमारा डे टू इस घर में, और रात में हम यहीं सोए थे। एंड अभी मैं बहुत कुछ सेट कर रही थी किचन में, और सुबह सुबह का टाइम है, 8:30 बज रहे हैं। मैं मीठे से शुरुआत करूँगी, और आज दिन भी अच्छा है तो पहले मैं मीठा कुछ बनाऊँगी, उसके बाद ही हमारा ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस एंड गुड मॉर्निंग, अभी मैं नहा धो चुकी हूँ। अभी आपने देखा इससे पहले काम कर रही थी और पीछे से आवाज़ आ रही है, और फिलहाल मैं बना रही हूँ आटे का हलवा नाश्ते में, बिकॉज नाश्ता क्या, अब इसके बाद मैं सैंडविच बनाना है। पहले मैंने सोचा मैं हलवे से स्टार्ट करूँ एंड देन उसके भगवान जी को भोग लगा के, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम दूध उबालने के और चाय बनाने के अलावा इस घर में हलवा ही बनाना चाह रही थी, कि पहले कुछ अच्छा बना के उसके लाइक देती हूँ। तो चलिए बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पे मैं फटाफट से आटे का हलवा बना रही थी। धीरेश को पूछा कौन सा क्या मीठा मैं बना लूँ, तो वो बोले कि आटे का हलवा बना लो। और मुझे गाइस पर्सनली आटे का हलवा वैसे भी पसंद है, तो आज से मैं अपनी किचन स्टार्ट करूँगी और पहले मीठा बनाऊँगी, उसके बाद सैंडविच का तैयारी करूँगी, और फिर खाना वगैरह मैं सब बना लूँगी, और धीरे धीरे घर में धीरे धीरे सेट करती रहूँगी। तो गाइस उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में आप सबसे, और अभी तक कोई चैनल पर नया है या अभी तक आपने वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करना गाइज मत भूलिएगा। चलते हैं नए वीडियो में, आप सबसे मिलती हूँ, ठीक है? तब तक के लिए बाय।